तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी एक व्लॉग एंड किया और दूसरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे कुछ काम से बाहर जाना था तो इसलिए मैंने बाइक ली और चला। पहले तो मैं गया स्टेशनरी की दुकान पे, कुछ सामान लेना था स्टेशनरी की दुकान पे, और फिर स्टोर पे भी जाना था। फिर जब मैंने स्टेशनरी की दुकान से सामान ले लिया और फिर मैं स्टोर पे गया, तो वहाँ पे पहले मैंने सोचा कि नूडल्स ले लेता हूँ। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि आज ओरियो आइसक्रीम क्यों ना बनाए। तो फिर मैंने उधर से दो ओरियो लिए, एक बड़ा लिया और एक छोटा लिया। तो हमें दो ओरियो चाहिए, आइसक्रीम शेक्स चाहिए और हमें चाहिए दूध, तो और एक ऐसी चीज़ भी चाहिए जिससे हम ओरियो को मैश कर सकें। रैपर खोले बगैर आप लोगों ने ओरियो को मैश करना है। तो फिर एक जौन सा मर्जी ओरियो ले लें। मैंने एक बड़ा लिया था, एक छोटा। पहले बड़े वाले को मैश किया, फिर छोटे वाले को। तो इन दोनों को अच्छी तरह जब मैंने मैश कर दिया तो फिर इनका खोला रैपर और इसके अंदर डाला दूध। तो दूध आपने ज़्यादा नहीं डालना कि आप पूरा भर के डाल दें, नहीं, आपने दूध थोड़ा सा ही डालना है ओरियो जहाँ पे बिस्किट है ओरियो उसके नीचे नीचे। तो दूध मैंने ज़्यादा नहीं डाला, मैंने भी थोड़ा ही डाला, आप लोगों ने भी थोड़ा ही डालना है। फिर मैंने एक ग्लास लिया, उसके अंदर ओरियो को रखा कि स्टेबल हो जाए, मतलब जब मैं फ्रिज में रखूँ तो गिरे ना। तो ये बड़ा वाला बिस्किट था इसलिए इसके अंदर मैंने दो स्टिक्स डाली तो कि ज़्यादा मजबूत रहे। और आप लोग एक डाल सकते हो, तीन भी डाल सकते हो, आप लोगों की मर्जी है। तो फिर मैंने दोनों को ही सेम टू सेम ऐसे कर दिया और मैंने एक रबर बैंड बांध दी कि दूध गिरे ना, और मैंने फिर फ्रिज में रख दिया। The next day. तो गाइस अगले दिन मैं जल्दी उठ गया था फजर टाइम, तो मैंने सोचा कि फजर की नमाज पढ़ने चल जाता हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर फजर की नमाज़ पढ़ा करें। तो फिर मैंने बाइक उठाई और चला, और जिस मस्जिद में मैं आज जा रहा हूँ उस मस्जिद में मैं फ़र्स्ट टाइम जान लगाऊँ। जब से हम पार्टियों में आए हैं तब से हम उस मस्जिद में नहीं गए, तो इसलिए मैं आज उधर जाने वाला। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं बिल्कुल खाली जगह थी, मतलब फजर का टाइम था इसलिए कोई भी नहीं था, और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और सिर्फ गार्ड्स थे वो भी पार्क के बाहर थे, और जिस मस्जिद में मैं जा रहा हूँ वो पार्क के बहुत करीब है। तो रात टाइम इतना कोई अच्छा व्यू नहीं था, तो मैंने सोचा कि सुबह टाइम इसका मस्जिद का टूर दे दूँगा। तो फिर सुबह हो गई, जब मैंने नमाज़ पढ़ी तो ये इसकी बैक साइड है मस्जिद की और ये फ्रंट साइड है इस मस्जिद की, काफ़ी ज़्यादा प्यारी है बैक और फ्रंट। और फिर साइड पर सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के कुछ ऐसी है, यहाँ से काफ़ी खुली है। तो अंदर से जहाँ नमाज पढ़ते हैं वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा खुली है, मतलब 200-300 लोग तो आ सकते हैं इधर। और सीलिंग का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा प्यारा था और यहाँ पे मुझे नमाज़ पढ़ने का बहुत मज़ा आया था। तो फिर मैं गया पार्क, मस्जिद के पास ही था पार्क, तो मैं पार्क चला गया और यहाँ पे एक नई स्लाइड लगी थी तो मैंने सोचा आप लोगों को एक स्लाइड टूर देता हूँ। तो यहाँ पे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, एक यहाँ स्लाइड जाती है और एक यहाँ स्लाइड जाती हैं, दो स्लाइड इधर हैं। तो बच्चों के लिए थी इसलिए मेरी हाइट से काफ़ी छोटी थी, तो इसलिए फिर एक छोटा सा पुल आता है उसको क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी दो स्लाइड्स हैं, लेकिन यहाँ सीढ़ियाँ अलहदा हैं, उससे चेंज है यहाँ पे सीढ़ियाँ। तो यहाँ से ऊपर आते हैं, फिर एक यहाँ पर भी स्लाइड है और एक यहाँ पर भी स्लाइड है, तो बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो मेरी हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मेरे साथ एक स्पेशल मेहमान है और वो है मेरा कज़न, वो बैठा हुआ है रूस के। तो अभी मैं आप लोगों को अपने एक पेट से मिलाता हूँ जो कि है, अगर आप लोगों को वो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और वो ये है, इसका नाम मैंने रखा है लाली। तो पार्क में एक बच्चों के लिए झूला था, मैंने सोचा चलो इसको पेट बनाते हैं। फिर मैं निकला घर की तरफ, अपनी कावासाकी निंजा उठाई और फिर मैं चला घर की तरफ। तो गाइस यार फिर मैं चला गया था एकेडमी, और जब मैं एकेडमी से वापस आया फिर मैंने खाना खाया और फिर मैंने एक वाली छोटी वाली को साइड पे रख दिया और बड़ी वाली खोली तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी। लुक वाइज इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। तो अब मैं आप लोगों को इसका टेस्ट बताता हूँ, तो टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का था। द नेक्स्ट डे, तो गाइस यार अगले दिन मैं प्लॉट पे गया था, तो यहाँ पे खुदाई हुई थी, खुदाई हो गई थी और वो स्प्रे डाल रहे थे क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े होते हैं ना तो वो मर जाए, इसलिए वो स्प्रे कर रहे थे।
यार, काफी दिनों बाद मैं कैमरा उठा रहा हूँ क्योंकि मैं गया हुआ था अपने पुराने घर, और वहां पे जो आप लोग ने मेरी वीडियो, मेरा कजन तो देखा ही होगा, वहां पे उसका भी घर है। वहां पे हम पहले एक साथ ही रहते थे, फिर हम इधर आ गए और अब वो भी उधर आ रहे हैं। आप लोग ने प्लॉट की वीडियोस तो देखी होंगी। तो मैं गया हुआ था उधर तकरीबन 3 दिनों से या 2 दिनों से गया हुआ था। तो मैंने मोबाइल लेके जाना था, लेकिन मेरे पास अपना कोई मोबाइल नहीं है ना, तो इसीलिए मैं मोबाइल नहीं लेके गया, क्योंकि मेरा अपना मोबाइल नहीं है। और वहाँ पे मैं अपने पुराने दोस्तों से ही मिला और हमने बहुत कुछ किया, तो लेकिन वो मैं व्लॉग में नहीं डाल सका क्योंकि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं था। तो मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और अभी मैं वापस आया था। तो गाइज़ यार, अभी मैं आया हूँ प्लॉट पे क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से इधर नहीं आया था, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इन्होंने ईंटें तो लगा दिए, मतलब थोड़ी बहुत दीवार आ गई है, और मैं भी इस दीवार के ऊपर ही खड़ा हूँ। यहाँ पे ढेर लगा हुआ है और यहाँ से कुछ ऐसा है। तो गाइज यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइज जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइज यार, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं।